हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड विजन विद इनाया। समर सीज़न आ चुका है और समर ड्रिंक का भी सीज़न आ चुका है, तो क्यों ना हम आज बनाएं ऐसे समर ड्रिंक जो पीने में बहुत हेल्दी होता है और गर्मियों में लू से बचाने के लिए या फिर पेट में ठंडक पहुंचाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आम पन्ना ज़रूर बना के देखिए, बहुत ईजीली बन जाता है और इसे हम काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और ये गर्मी में पीने के लिए बहुत बेस्ट और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आम पन्ना की रेसिपी को। आम पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले हम कच्चा आम लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 कच्चे आमों को स्लाइस कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है 500 ml वाटर और इसमें हम डाल देंगे 3 आम को स्लाइस करके। ये रॉ मैंगो है, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। और इसमें डाल दूंगी मैं 1 इंच अदरक कटा हुआ और 3 हरी मिर्ची। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ग्रीन चिली कम ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर नमक स्वाद के अनुसार ऐड करूँगी। और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बॉयल होने रख देंगे। देखिए इस तरह से कलर चेंज हो जाए और इसका पानी आधा रिड्यूस हो जाए तब तक ही हमें इसे कुक करना है और इसे अब ठंडा कर लेना है एकदम। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब हम छिलके और आम को अलग कर लेंगे। देखिए मैं किस तरह से छिलके से आम को अलग कर ले रही हूँ, बहुत इजीली निकल जाता है। और इसे इन छिलकों को फेंकिए नहीं, इसे आप नमक मिर्ची लगा के इंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए मैं इसी तरह से इसके सारा पल्प निकाल लूँगी और मैंने जो अदरक लिया है उसको भी एकदम बारीक स्लाइस कर लूँगी ताकि पीसने में बहुत आसानी होगी। और अब इसे हम किसी ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और एकदम ठंडा होना चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं पीसिए। और इसमें मैं 100 ग्राम शुगर ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करूँगी क्योंकि नमक हम पहले भी दे चुके हैं, तो नमक आप कम दीजिए। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी रोस्टेड जीरा पाउडर और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो इसे स्किप कीजिए। और अब ग्राइंडर की मदद से हम इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए हमारे आम पन्ने का बैटर रेडी है, ये मिक्सर ग्राइंडर में बहुत ईजीली बन जाता है। आप इस मिक्सर को स्टोर करके 1 हफ्ते तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इसे पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप किसी टाइट टिफ़िन के कंटेनर में इसे बॉटल में भर के रख दीजिए फ्रीज में और गर्मी से बच्चे आए या फिर कोई गेस्ट आए ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बहुत ही रिफ़्रेशिंग, बहुत ही ठंडा समर ड्रिंक है ये, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको सर्व करना बहुत आसान है। सर्व करने के लिए 1 गिलास में हम कुछ आइस क्यूब्स लेंगे और आइस क्यूब्स के ऊपर हम डाल देंगे पुदीना पत्ता। अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा सेंट आता है इसका, एक अलग ही टेस्ट आता है। और इसमें अब हम हमारा आम पन्ना जो हमने बना के रखा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। आप देख के ही समझ सकते हैं कितना अच्छा सा मतलब बैटर बना है हमारा। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 1/2 कप एकदम चिल्ड वाटर और इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे। इसमें आपको चीनी नमक कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बस आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें ग्रीन चिली या फिर रेड चिली नहीं दे तो बच्चे अब ज़्यादा शौक से खाएंगे। देखिए हमारा समर ड्रिंक रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।